अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से अहूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से अहूर परिनूर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हूर परिनूर जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा बनता जा रहा है। यानी ये ड्रामा बेसिकली तीन सहेलियों पे बनाया गया है और तीनों के नसीब एक जैसे हैं। यानी हूर की शादी हो रही है फाहद से, लेकिन फाहद एक नंबर का धोखेबाज लड़का है जिसने अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों में किसी को भी नहीं बताया कि वो शादी कर रहा है हूर से। हूर को धोखे में रख के उसे सिर्फ दौलत जायदाद की वजह से शादी कर रहा है और बाद में उसको छोड़ देगा। हूर बेचारी बेवकूफ़ बन गई है, फाहद के चक्रों में उसकी बातों में आके उसे शादी कर लेगी और बाद में बहुत ज़्यादा पछताएगी। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी सहेली है नूर, वो तो मोहब्बत में मुब्तला हो गई है साथ की, जबकि साथ पसंद करता है परी को। यानी परी उसकी कज़न भी है, इसलिए साथ यही चाहता है कि वो परी से शादी कर ले और परी भी पसंद करती है साथ को। यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इनकी शादी के दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, मसले मसाइल आ गए हैं। यानी इनके फैमिलीज आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रखती हैं, इसी वजह से परी और साथ की शादी में मुश्किल आ गई हैं। और ये सब कुछ नूर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नूर यही चाहती है कि उसकी शादी साथ से हो। वो बरसों उसने इंतज़ार किया है साथ की मोहब्बत का, अब वो साथ से शादी करना चाहती है और इस वजह से उसने बी जान से भी इस मामले में मशवरा लिया हुआ है। उनका काम कर रही है, जैसे वो कह रही है वैसे ही कर रही है, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बानो अपने शोहर ने तीफे से यही कहती है कि तुम, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, सब लोग मोहल्ले में मुझे जानते हैं। लेकिन तीफा बात बात पे बानो को जलील करता है, उसको कहीं का नहीं छोड़ता, इतना जलील कर देता है, लेकिन बानो की हद बर्दाश्त हो गई है। वो एक न एक दिन तीफे को मार ही देगी, क्योंकि जितनी वो मोहब्बत करती है उसकी मोहब्बत को नफरत में डालने का तीफा ही अंजाम कर रहा है ये सब कुछ। यानी बानो ये सब कुछ सुन सुन के बर्दाश्त से बाहर हो गया है बानो की। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हूर की शादी फहद से हो जाएगी, हो जाने के बाद फहद ये सब कुछ पैसा दौलत लेके हूर को छोड़ देगा, हूर की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, वापस अपने घर पे आकर ही बैठ जाएगी। और दूसरी तरफ परी की शादी साथ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि एक तरफ नूर आई हुई है और एक तरफ से घर वाले आए हुए हैं और नूर की मोहब्बत पता नहीं उसको मिलती है कि नहीं मिलती। ये ड्रामा से तीन दोस्तों की सहेलियों पर बनाया गया, यानी तीनों के नसीब एक जैसे ही हैं। हूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से हूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। आपको नाज़रीन क्या लगता है कि साथ की शादी परी से हो जाएगी या फिर साथ की शादी नूर से होगी, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से अहूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से अहूर परिनूर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हूर परिनूर जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा बनता जा रहा है। यानी ये ड्रामा बेसिकली तीन सहेलियों पे बनाया गया है और तीनों के नसीब एक जैसे हैं। यानी हूर की शादी हो रही है फाहद से, लेकिन फाहद एक नंबर का धोखेबाज लड़का है जिसने अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों में किसी को भी नहीं बताया कि वो शादी कर रहा है हूर से। हूर को धोखे में रख के उसे सिर्फ दौलत जायदाद की वजह से शादी कर रहा है और बाद में उसको छोड़ देगा। हूर बेचारी बेवकूफ़ बन गई है, फाहद के चक्रों में उसकी बातों में आके उसे शादी कर लेगी और बाद में बहुत ज़्यादा पछताएगी।
जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी सहेली है नूर, वो तो मोहब्बत में मुब्तला हो गई है साद की, जबकि साद पसंद करता है परी को, यानी परी उसकी कज़न भी है, इसलिए साद यही चाहता है कि वो परी से शादी कर ले, और परी भी पसंद करती है साद को, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इनकी शादी के दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, मसले मसाइल आ गए हैं, यानी इनके फैमिलीज आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रखती हैं, इसी वजह से परी और साद की शादी में मुश्किल आ गई हैं, और ये सब कुछ नूर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नूर यही चाहती है कि उसकी शादी साद से हो, वो बरसों उसने इंतज़ार किया है साद की मोहब्बत का, अब वो साद से शादी करना चाहती है, और इस वजह से उसने बी जान से भी इस मामले में मशवरा लिया हुआ है, उनका काम कर रही है, जैसे वो कह रही है वैसे ही कर रही है, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जैसे बानो अपने शोहर ने तीफे से यही कह दी है कि तुम मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, सब लोग मोहल्ले में मुझे जानते हैं, लेकिन तीफा बात बात पे बानो को जलील करता है, उसको कहीं का नहीं छोड़ता, इतना जलील कर देता है, लेकिन बानो की हद बर्दाश्त हो गई है, वो एक ना एक दिन तीफे को मार ही देगी, क्योंकि जितने वो मोहब्बत करती है उसकी मोहब्बत को नफरत में डालने का तीफा ही अंजाम कर रहा है ये सब कुछ, यानी बानो ये सब कुछ सुन सुन के बर्दाश्त से बाहर हो गया है बानो की। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हूर की शादी फहद से हो जाएगी, हो जाने के बाद फहद ये सब कुछ पैसा दौलत देके हूर को छोड़ देगा, हूर की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, वापस अपने घर पे आकर ही बैठ जाएगी, और दूसरी तरफ परी की शादी साथ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि एक तरफ नूर आई हुई है और एक तरफ से घर वाले आए हुए हैं, और नूर की मोहब्बत पता नहीं उसको मिलती है कि नहीं मिलती। ये ड्रामा से तीन दोस्तों की सहेलियों में बनाया गया, यानी तीनों के नसीब एक जैसे ही हैं। हूर परी नूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से हूर परी नूर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। आपको नाज़रीन क्या लगता है कि साद की शादी परी से हो जाएगी या फिर साद की शादी नूर से होगी, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खिलाइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हूर परी नूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के डे मैं आपको ड्रामा से हूर परी नूर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हूर परी नूर जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा बनता जा रहा है, यानी ये ड्रामा बेसिकली तीन सहेलियों पे बनाया गया है, और तीनों के नसीब एक जैसे हैं, यानी हूर की शादी हो रही है फहद से, लेकिन फहद एक नंबर का धोखेबाज लड़का है, जिसने अपने पेरेंट्स को अपने रिश्तेदारों में किसी को भी नहीं बताया कि वो शादी कर रहा है हूर से, हूर को धोखे में रख के उसे सिर्फ दौलत जायदाद की वजह से शादी कर रहा है, और बाद में उसको छोड़ देगा। हूर बेचारी बेवकूफ़ बन गई है, फहद के चक्रों में उसकी बातों में आके उससे शादी कर लेगी और बाद में बहुत ज़्यादा पछताएगी। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी सहेली है नूर, वो तो मोहब्बत में मुब्तला हो गई है साद की, जबकि साद पसंद करता है परी को, यानी परी उसकी कज़न भी है, इसलिए साद यही चाहता है कि वो परी से शादी कर ले, और परी भी पसंद करती है साद को, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इनकी शादी के दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, मसले मसाइल आ गए हैं, यानी इनके फैमिलीज आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रखती हैं, इसी वजह से परी और साद की शादी में मुश्किल आ गई हैं, और ये सब कुछ नूर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नूर यही चाहती है कि उसकी शादी साद से हो, वो बरसों उसने इंतज़ार किया है साद की मोहब्बत का, अब वो साद से शादी करना चाहती है, और इस वजह से उसने बी जान से भी इस मामले में मशवरा लिया हुआ है, उनका काम कर रही है, जैसे वो कह रही है वैसे ही कर रही है, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जैसे बानो अपने शोहर ने तीफे से यही कह दी है कि तुम मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, सब लोग मोहल्ले में मुझे जानते हैं, लेकिन तीफा बात बात पे बानो को जलील करता है, उसको कहीं का नहीं छोड़ता, इतना जलील कर देता है, लेकिन बानो की हद बर्दाश्त हो गई है, वो एक ना एक दिन तीफे को मार ही देगी, क्योंकि जितने वो मोहब्बत करती है उसकी मोहब्बत को नफरत में डालने का तीफा ही अंजाम कर रहा है ये सब कुछ, यानी बानो ये सब कुछ सुन सुन के बर्दाश्त से बाहर हो गया है बानो की। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हूर की शादी फहद से हो जाएगी, हो जाने के बाद फहद की
फहद ये सब कुछ पैसा दौलत लेके हूर को छोड़ देगा, हूर की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, वापस अपने घर पे आकर ही बैठ जाएगी। और दूसरी तरफ परी की शादी सास से बहुत ज्यादा मुश्किल हो, क्योंकि एक तरफ नूर आई हुई है और एक तरफ से घर वाले आए हुए हैं, और नूर की मोहब्बत पता नहीं उसको मिलती है कि नहीं मिलती। ये ड्रामा से तीन दोस्तों की सहेलियों पर बनाया गया, यानी तीनों के नसीब एक जैसे ही हैं। हूर परी नूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से हूर परी नूर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको नाज़रीन क्या लगता है कि सात की शादी परी से हो जाएगी या फिर सात की शादी नूर से होगी, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हूर परी नूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से हूर परी नूर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हूर परी नूर जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा बनता जा रहा है, यानी ये ड्रामा बेसिकली तीन सहेलियों पे बनाया गया है और तीनों के नसीब एक जैसे हैं। यानी हूर की शादी हो रही है फाहद से, लेकिन फाहद एक नंबर का धोखेबाज लड़का है जिसने अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों में किसी को भी नहीं बताया कि वो शादी कर रहा है हूर से। हूर को धोखे में रख के उसे सिर्फ दौलत जायदाद की वजह से शादी कर रहा है और बाद में उसको छोड़ देगा। हूर बेचारी बेवकूफ़ बन गई है, फाहद के चक्करों में उसकी बातों में आके उसे शादी कर लेगी और बाद में बहुत ज़्यादा पछताएगी। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी सहेली है नूर, वो तो मोहब्बत में मुब्तला हो गई है साथ की, जबकि साथ पसंद करता है परी को, यानी परी उसकी कज़न भी है, इसलिए साथ यही चाहता है कि वो परी से शादी कर ले, और परी भी पसंद करती है साथ को, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन इनकी शादी के दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, मसले मसाइल आ गए हैं, यानी इनके फैमिलीज आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रखती हैं, इसी वजह से परी और साथ की शादी में मुश्किल आ गई हैं। और ये सब कुछ नूर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नूर यही चाहती है कि उसकी शादी साथ से हो। वो बरसों उसने इंतज़ार किया है साथ की मोहब्बत का, अब वो साथ से शादी करना चाहती है, और इस वजह से उसने बी जान से भी इस मामले में मशवरा लिया हुआ है, उनका काम कर रही है, जैसे वो कह रही है वैसे ही कर रही है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे, जैसे बानो अपने शोहर ने तीफे से यही कहती है कि तुम, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, सब लोग मोहल्ले में मुझे जानते हैं। लेकिन तीफा बात बात पे बानो को जलील करता है, उसको कहीं का नहीं छोड़ता, इतना जलील कर देता है, लेकिन बानो की हद बर्दाश्त हो गई है, वो एक ना एक दिन तीफे को मार ही देगी, क्योंकि जितनी वो मोहब्बत करती है उसकी मोहब्बत को नफरत में डालने का तीफा ही अंजाम कर रहा है ये सब कुछ। यानी बानो ये सब कुछ सुन सुन के बर्दाश्त से बाहर हो गया है बानो की। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हूर की शादी फहद से हो जाएगी, हो जाने के बाद फहद ये सब कुछ पैसा दौलत लेके हूर को छोड़ देगा, हूर की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, वापस अपने घर पे आकर ही बैठ जाएगी। और दूसरी तरफ परी की शादी सास से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि एक तरफ नूर आई हुई है और एक तरफ से घर वाले आए हुए हैं, और नूर की मोहब्बत पता नहीं उसको मिलती है कि नहीं मिलती। ये ड्रामा से तीन दोस्तों की सहेलियों पर बनाया गया, यानी तीनों के नसीब एक जैसे ही हैं। हूर परी नूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से हूर परी नूर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको नाज़रीन क्या लगता है कि सात की शादी परी से हो जाएगी या फिर सात की शादी नूर से होगी, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।